ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, वोट हमारा, ईवीएम मशीन तुम्हारा नहीं चलेगा आदि नारों के बीच भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन मुक्ति पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष ओपी रंजन के नेतृत्व में जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अकबरपुर पुरानी तहसील के पास इकट्ठा होकर चुनाव आयोग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में नारेबाजी करते हुए जुलूस में शामिल कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के समीप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र राजभर ने कहा, ईवीएम से चुनाव करवाना लोकतंत्र की हत्या है, इसे हटाना चाहिए। बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल गौतम ने बताया कि जब विकसित राष्ट्र ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं तो आखिरकार भारत जैसे विकासशील देश में ईवीएम का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? इससे एक पार्टी विशेष का फायदा पहुंचाया जा रहा है और क्षेत्रीय पार्टी को खत्म किया जा रहा है। रैली प्रदर्शन में प्रमुख रूप से विकास सक्सेना, जावेद अहमद, मान तिलक नागवंशी, सिद्दीक अहमद खिचौची, अब्बास हैदर, मनीराम पटेल, जयप्रकाश वर्मा गुड्डू, सुरेश अम्बेडकर, रामराज भारती, जयराम राजवंशी, उषा रंजन से सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर से रामशुक्ल यादव की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। चुनाव आयोग चोर है, चोर है, चोर है, ईवीएम से वोट की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।